अब बिहार की कानून व्यवस्था पर उठने लगा है आवाज। बेकसूर को मिल रही है सजा। थाने में 50,000 रुपया दीजिए, फिर मिलेगी आपको न्याय। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार की स्थिति काफी भयानक हो जाएगी और आम जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा। आम जनता का सरकार से और प्रशासन से विश्वास टूट जाएगा। आपको बता दें कि यह घटना भरतपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के बाबूपुर मोड़ वार्ड संख्या 4 की है, जहां दो गुटों में झड़प हो गया। प्रदीप मंडल, भागीरथ मंडल, धर्मेंद्र मंडल, लक्ष्मण मंडल ने मिलकर मनोज कुमार युवक को बुरी तरह मारकर घायल कर दिया। जब वह घायल युवक मनोज कुमार थाना पहुंचा तो वहां के एएसआई मनीष कुमार ने उसे धमकाया और बोला कि 50,000 रुपया दो, नहीं तो अंदर भेज देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो राज है, वहां थाने में घुसखोरी होती है और क्या इस बेकसूर युवक को न्याय मिलेगा या जेल। मैं पूजा कुमारी, आप सबको शुभ उपासना की महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर बेगूसराय जिला वासियों सहित नगर निगम वार्ड नंबर 21 के गरीब गुरबों को एवं समस्त नागरिकों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। माता की मारपीट कर रहा घर में, बलजबरी घुस करके हमारे भाई को मारा और हमको भी मारा, हमारे पत्नी को भी मारपीट करके बुला बुला सब फाड़ दिया। कौन मारा? प्रदीप मंडल, धर्मेंद्र मंडल। कहाँ का रहने वाला? लक्ष्मण मंडल, भागीरथ मंडल। दारू बेचता है, पीता खाता है और उस सब में मीटिंग बना करके जो है कि घर में घुस करके बलजबरी मारपीट किया। काहे के लिए मारा था? काहे, वो पहले से गुर्री था, वहाँ से मीटिंग निर्मल मंडल जो है ना, निर्मल मंडल के खिलाफ से चढ़ाव बढ़ाव कर करके हम लोग को मारा। काहे के लिए मारा? इसलिए कि कुछ वजह होगा ना। वजह उसमें जो है कि निर्मल मंडल ने आकर के गल्लमकारी किया था होली में। अच्छा। उसी के बदौलत हम बोले काहे गल्लमकारी कर रहे हैं, जो कि प्रतिनिधि होकर के मेरे घर पे आया। अभी प्रतिनिधि है? हाँ, वार्ड था, मेरे गांव का वार्ड था, 4 नंबर वार्ड। अच्छा। वो प्रतिनिधि है तो वार्ड यही है 4 नंबर का निर्मल मंडल। अच्छा। उसी ने गल्लमकारी किया, पी खा करके प्रदीप मंडल से, वही गुरी हम लोग से निकाल लिया मारपीट कर। कब मारा था? 4 तारीख के रात में, दिवाली के दिन। तो अभी कहाँ थाना पे आए थे? जी, थाना पे एप्लीकेशन की दी है। सारा काम हो गया है, पैसा हम लोग से मांग रहा है, 50,000 रुपया लाओ। तो कौन मांग रहा है पैसा? कौन मांग रहा है? मनीष बाबू। मनीष बाबू कौन है? छोटा वो। कहाँ के? कौन थाना के? सबौर थाना का। क्या बोल रहा है, 50,000 दो? हाँ, तो मैनेज करवा देते हैं जो है दोनों में, नहीं तो दोनों का केस करवा देंगे। हाँ। ये कौन मनीष बाबू बोल रहे थे? हाँ। अच्छा, बोला ना ये सब बात, तो बोला कि मैनेज करवा देते हैं पैसा। हाँ। प्रदीप मंडल ने 20,000 रुपया, 25 कितना दिया है? 25,000 रुपया आकर के प्रदीप मंडल को दिया है। हमको बोलता है कि पैसा लेकर के जो है कि दवा सुइया ले लो, जो खर्च हुआ है खर्च लेकर के सोल्व कर लो। तुम्हारा नाम क्या है? मनोज कुमार मंडल। घर कहाँ है? सबौर बाबूपुर। क्या हुआ था? हम लोग दीपावली के दिन 4 तारीख को गए थे रोड पर। हाँ। काली मेला था, उधर ही रोड पर जा रहे थे देखने के लिए। अच्छा। तो रोड पर पास में खड़े थे तो वो भी दारू पी के आया, खुलना समय था तो वहाँ पर गए तो वो बोलता है कि आँख निकाल के देखता है मादर चोर, तुम्हारा आँख निकाल लेंगे। अच्छा। हम बोले आप काहे गाली देते हैं, क्यों ऐसे बोलते हैं? हाँ। तो वो हमको गट्टा पकड़ के मारने लगा और छाते में हपक। हाँ, आपका यहाँ पे आपका हपक लिया। अब उस मेरा भाई आया तो मेरा भाई को फोन करके, उधर से प्रदीप मंडल ने अपने भाई को फोन करके बुलाया, रेड लेके आया और रेड लेके मेरे भाई पे वार किया। अच्छा, ये भी जख्मी हो गया? हाँ, ये भी जख्मी हो गया। उसके बाद थाने आए, थाने में क्या बोला? थाने में बोला कि पैसा दो, नहीं तो दोनों केस किया है, दोनों को केस करवा देते हैं। दोनों केस करवा देते हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? चंदन कुमार। घर? बाबूपुर। क्या हुआ था? मारपीट होले सर, कि बच्चा बुतरू हमारे दीपावली खेली का गेलो रे रोड पर खेले ले। हाँ। घीची का सामना सामने खड़ा होकर मारा लग लगे कलके को हमारा यंग देखे दारू पीलो फूल के दारू पीलो फूल चला प्रदीप मंडल। कहाँ घर होले उनको? बगल में छे घर और बगले में छे। एरिया की पड़े छे? एरिया नाम की छे? बाबूपुर 4 नंबर। बाबूपुर 4 नंबर। अच्छा, तो यहाँ की थाना आयलो चला? हाँ, थाना।
थाना में की बोल को थाना में कल के कि मेल माफ करो नहीं तो बता दोनों का केस चालू कर देंगे के बोल को मनीष बाबू कि वो केस किया है तुम भी केस किया है मैनेज करो यहीं से तो ठीक है नहीं तो दोनों का केस चालू कर देंगे। बीएनबी न्यूज़ के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट।